जय माता दी साथियों, मैं नंद विश्वकर्मा आज आपको अपने चैनल नंद विश्वकर्मा में लेसन एक जीवों में जनन यूनिट फर्स्ट है जनन बायोलॉजी अध्याय लेसन एक या अध्याय एक क्लास 12th में लैंगिक जनन की अगली विधि बीजाणु जनन को बताता हूँ। तो बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु जनन है, बीजाणु अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय संरचना है जो जनक से शरीर से अलग होकर अंकुरित करके नए जीव को जन्म देता है। इस प्रकार की संरचना कहलाती है आपकी जीवाणु जनन। जैसे कि एक बीज या एक अपना माना कि हमने एक पेनिसिलियम है, ये क्या है? एक पेनिसिलियम। तो ये पेनिसिलियम के थे आपके बीजाणु, या किसी कारणवश है जैसे कि वायु वायु हवा हवा या वायु एक ही है, जल या किसी अन्य कारण से पक्षियों के कारण यहाँ से पृथक होते हैं और पृथक होकर एक क्या करते हैं नए बीजाणु का, यहाँ पर एक छोटे से बीजाणु के माध्यम से एक नई संतति का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की संरचना को, इस प्रकार की जनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। तो बीजाणु अत्यंत सूक्ष्म एक कोश की संरचना है जो जनक के शरीर से अलग होकर अंकुरित करके नए जीव को जन्म देती है। इसका श्रेष्ठतम उदाहरण आपका पेनिसिलियम है। बीजाणु जनन का श्रेष्ठतम उदाहरण क्या है? आपका पेनिसिलियम है। अब इसी की बीजाणु जनन से लैंगिक जनन की अपन अगली विधि देखते हैं। अगली विधि आपकी है आपकी खंडन। खंडन किसे कहते हैं या खंडन क्या है? तो खंडन के जैसे कि आप शब्द से ही परिचित हैं, खंडन को समविभाजन भी कहते हैं। खंडन को क्या कहते हैं? समविभाजन। अब खंडन शब्द से आप अच्छी तरह भली भांति परिचित हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होगा टूटना। इसका क्या होगा? शाब्दिक अर्थ टूटना। तो अगली लैंगिक जनन की विधि आपकी खंडन या संविभाजन है। तो इसमें क्या होता है? जनक का शरीर किसी कारणवश टूट जाता है और जितने खंडों में टूटता है उतनी ही नई संतति का क्या होता है? निर्माण होता है। खंडन एक लैंगिक जनन की विधि है। इसमें जनक का शरीर खंडों में टूट जाता है और जितने खंड में टूटता है उतने ही जन जीव को क्या करता है? या निर्माण करता है। तो खंडन में क्या होता है? जनक का शरीर खंडों में टूट जाता है और जितने खंडों में टूटता है उतने जीव को नए जीव क्या करता है? निर्माण करता है। इसका श्रेष्ठतम उदाहरण आपका स्पाइरोगायरा है। इसका श्रेष्ठतम उदाहरण क्या है? आपका स्पाइरोगायरा। जैसे कि हम ये मान लें कि यही क्या है? स्पाइरोगायरा है। या इसको एरो का आपका डीएनए है। ठीक है ना? तो आगे चलकर क्या होता है? इस खंडों में टूट जाता है किसी कारणवश। तो घटना का तात्पर्य निश्चय, ऐसा नहीं कि किसी भी कारण से टूट सकता है, ऐसा नहीं कि आपका स्वतः टूटता है, किसी कारण से टूट सकता है। और इस प्रकार ये क्या कर लेता है? नए जीवों का क्या कर लेता है? निर्माण करता है। यहां पर आपने तीन संरचना इसकी बनाई, तो इसका तात्पर्य नहीं कि तीनों में ही बनता है, या आगे चलकर कई संरचनाओं में विभक्त हो जाता है। और इस प्रकार ये क्या कर लेता है? संरचना बना लेता है। तो ये और ये संरचना क्या क्या करती है? फिर नए संपत्ति क्या क्या कर लेती है? आगे चलकर निर्माण कर लेती है। जितने खंडों में टूटता है उतने ही क्या होते हैं? नई संतति का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन की ये जो विधि है यह कहती है आपकी खंडन। अब परिभाषा आप देख सकते हैं कि खंडन है समविभाजन, यह एक अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें जनक का शरीर किसी कारण से टूट जाता है और जितने खंडों में टूटता है उतनी संतति का निर्माण होता है, अर्थात उतनी ही नई संतति क्या होती है? जन्म लेती है। इसका श्रेष्ठतम उदाहरण आपका स्पाइरोगायरा है। इसमें खंडन की श्रेष्ठतम जो उदाहरण वो क्या है? आपका स्पाइरोगायरा। तो आप देख सकते हैं खंडन और विखंडन में अंतर भी इसी वीडियो में। तो खंडन की जो प्रोसेस है वह बहुकोशिकीय जीवों में होती वाली किस्म होती है? बहुकोशिकीय। जो विखंडन की होता है यह आपका एक कोशिकीय जीवों में होता है। आप खंडन में देखें कि जो आपके जीव बने क्या समान आकार के हैं? ये तीनों समान आकार के हैं क्या? ये तीनों समान आकार के नहीं रहते हैं। यदि यहाँ पर किसी कारणवश हो ही गए हों तो इसमें खंडन में समान आकार के जीव जन्म नहीं लेते हैं। और जो आपका विखंडन होता है, ये आपका खंडन है और ये आपका क्या? आपका विखंडन। जो विखंडन होता है उसमें जो संतति होती है वह समान आकार की होती है। तो विखंडन में संतति असमान आकार की होती है,
और विखंडन में संतति समान आकार की होती है। इसका उदाहरण आपका स्पाइरोगायरा है और इसका उदाहरण आपका अमीबा और एरामिसियम है। अब इसी अलिंगजन की अंगली विधि को देखते अपन पुनरुद्भवन क्या है, तो आपको बता रहे थे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या होता है, पुनरुद्भवन जीव जंतु की वह क्षमता जिसके कारण खोए हुए अंगों का द्वारा प्रतिस्थापन होता है, अर्थात यह जो होता है पिलेनेरिया इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। हम इसमें इसकी दूसरी परिभाषा है जनक के शरीर के कटे हुए भाग से नई संतति का निर्माण होना पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन अर्थात पुनरुद्भवन का तात्पर्य दोबारा निर्माण होना, यह इसका श्रेष्ठतम उदाहरण आपका पिलेनेरिया है। यह कई पेपरों में पूछा जा चुका है पुनरुद्भवन का उदाहरण। तो जैसे कि आपका क्या आपका पिलेनेरिया, हम इसे चाहे 100 150 या 200 भाग में खंडों में कितने भी खंडों में क्यों ना कर दें, बस का प्रत्येक खंड क्या करता है नई संतति का निर्माण कर लेता है। जैसे हमने इस खंड को इसे डिवाइड किया तो यहाँ से क्या होगा नई संतति का प्रत्येक क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। और जीवों की यह क्षमता क्या कहलाती है, जो जो इस प्रकार की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है पुनरुद्भवन। जैसे इसका यह इसका भाग है, जीव का यह भाग है, अब इससे क्या होता है नई संतति का क्या कर लेती है निर्माण करते हैं। और जीवों में इस प्रकार की जो जन्म होता है वह कहलाता है आपका पुनरुद्भवन। क्या कहलाता है वह पुनरुद्भवन। यह इसका श्रेष्ठतम उदाहरण क्या पर पिलेनेरिया। तो अब इसका लास्ट अलैंगिक जनन की लास्ट जो विधि रह गई है वो आपको रह गई है प्लाज्मोडोमी। क्या रहेगा तो देख सकते हैं कि इसके अलैंगिक जनन की जो अगली विधि है वह आपकी प्लाज्मोडोमी है। इसमें जनक का शरीर दो या अधिक छोटे आकार के बहुकेंद्र की संतति प्राणियों में विभक्त हो जाता है, अर्थात जो शरीर जनक का शरीर होता है अथवा दो या दो से अधिक आकार के बहुकेंद्रीय संतति में विभक्त हो जाता है और इस विधि को कहते हैं प्लाज्मोडोमी। अगला आपका इसके जो उदाहरण है आपके ओपोलाइना और पिलोमिक्सा है। अब अगली अलैंगिक जनन की विधि जो है, अभी तक आपने देखा अलैंगिक जनन की पाच जंतुओं विधियाँ, अब अपन देखेंगे अलैंगिक जनन की पाचों विधियाँ। जैसे हमें कायिक प्रबर्धन या कायिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन की पाचों में जो विधियाँ होती हैं उन विधियों को हम कायिक प्रबर्धन या कायिक जनन के नाम से जानते हैं। तो अब कायिक प्रबर्धन व कायिक जनन की जो विधियाँ हैं वो मैं आपको अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा और अगले वीडियो में इसके साथ प्रस्तुत होऊंगा। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा हो तब आप मेरे चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी साथियों।